हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में मैं कह दे रखा है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट STP। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट STP। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एट STP की अगर हम बात करें, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो एट STP पे हमारी कोई भी गैस हो, एनी गैस हो, तो वो क्या करती है, एक मोल ऑफ एनी गैस क्या ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर। जो इसका मोलर वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 22.4 लीटर पर मोल। कि एक मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई द 22.4 लीटर एट STP। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 4.4 ग्राम CO2 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या गिवन मास दे दिया हमें, हमें क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पर मोल के अकॉर्डिंग वॉल्यूम दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे CO2 का नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो वो किस तरीके से निकालेंगे, तो CO2 का सबसे पहले क्या करेंगे, मोलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास और CO2 हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन है हमारे पास, तो 1 मल्टीप्लाई में कार्बन का मोलर मास एंड 2 मल्टीप्लाई में ऑक्सीजन का मोलर मास, इस तरीके से हो जाएगा, तो 12 एंड प्लस में हमारा क्या आ जाएगा 32, तो ये आ गया 44 ग्राम पर मोल, इस तरीके से आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 किस तरीके से निकलेगा हमारा, गिवन मास ऑफ द CO2 इस तरीके से एंड मोलर मास ऑफ CO2। तो 4.4 दे रखा है ये एंड ये कितना दे रखा है 44, ये हमारा क्या निकाला 44, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 0.1 मोल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.1 मोल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 मोल ऑफ एनी गैस, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 मोल ऑफ CO2 ऑक्यूपाई को अगर हम देखें तो कितना ऑक्यूपाई करता है 1 मोल ऑफ CO2, ये हमारा ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। तो 0.1 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा, तो 0.1 मोल ऑफ CO2 ऑक्यूपाई 2.24 लीटर, कितना ऑक्यूपाई करेगा 2.24 लीटर। तो अपना यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखें तो 22.4 लीटर क्या हमारा आंसर होगा, बिल्कुल नहीं, 44.8 लीटर बिल्कुल नहीं, 11.2 लीटर बिल्कुल नहीं, 2.24 लीटर। तो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, थैंक यू।